खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां 30 दिसंबर 2022 को मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के रविनगर इलाके में ऑक्सीजन सिलेंडर उतारने के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। यह दोनों लोग ऑक्सीजन कंपनी में काम करते थे। घटना की विभीषिका को देखते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दोनों मृतकों के परिजनों के लिए 1-1 लाख की सहायता राशि भेजी। सहायता राशि का चेक लेकर सपा जिला अध्यक्ष चंदौली सत्यनारायण राजभर के नेतृत्व में सकलडिया से सपा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव, पूर्व सपा सांसद राम किशन, सपा महासचिव नफीस अहमद बिड्डू के साथ बड़ी संख्या में सपा नेता दोनों मृतकों के घर पहुंचे। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, आप लोग कोतवाली ग्राम में आए हैं और मुगलसराय कस्बे में गए थे, जो ऑक्सीजन सिलेंडर में 2 लोगों की मौत हुई थी, क्या था और क्या मदद दी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा? ये पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने शुरू में ही परिवार को आकर के 25,000 रुपये जिला पार्टी की तरफ से, और इसका संज्ञान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया। फिर चंद्रशेखर यादव जी जो यहाँ के प्रत्याशी रहे, उन्होंने निवेदन किया था, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 1 लाख रुपये प्रत्येक परिवार को, मृतक परिवार को देने का फैसला किया है, और आज हम सब लोग, सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं ये मदद देने। परिजनों से मुलाकात थी, क्या बात थी, परिजनों ने क्या बताया कि जिला प्रशासन या सरकार द्वारा क्या मदद मिली उनको? मुझे अभी तक तो कंपनी की तरफ से ऑक्सीजन जो सप्लाई हो रही थी, उस कंपनी की तरफ से कोई मदद की बात तो आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या यहाँ जो जिले के बड़े नेता हैं आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी, जिन्होंने कहा था, उन सब लोगों की तरफ से तो कोई मदद नहीं मिली है। सरकारी नौकरी की भी बात कही गई थी सांसद जी द्वारा, कोई परिवार में कुछ बताओ? मुझे लगता है कि ये एक धोखा है, पांडे जी इसी तरह बोलते रहते हैं जगह जगह।